छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक हर्षिता स्वामी ने धर्म नखरी डोंगरगढ़ में अवैध शराब बिक्री का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक हर्षिता बघेल ने बताया कि उन्हें लगातार क्षेत्रवासियों से अवैध शराब बिक्री की शिकायत मिल रही है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि उनके निवास की सुरक्षा में लगे पुलिस जवान भी नशे में रहते हैं। कार्यक्रम होता है, देखती हूँ, अवैध रूप से शराब बिक्री का ही शिकायत आता है। कुछ लोग वार्ड नंबर 3 के लोग आके मेरे पास शिकायत किए थे कि मैडम हम लोग को निकलना मुश्किल हो गया है, घर के आसपास में यहाँ पे दारू बिक रहा है और बिकने के साथ साथ जो असामाजिक तत्व के लोग आ रहे हैं वो लोग हम लोगों को उल्टे सीधे बातें कहते हैं, हम लोग को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ही अब कुछ दिन पहले आप लोग जान रहे हैं कि हमारे डोंगरगढ़ में विधायक निवास है जो शासकीय है, जिसमें अब शहर की मांग है कि वहाँ पर मैं जाऊँ, वहाँ निवास करूँ, वहाँ पर कार्यालय की तरह कम से कम बैठूँ, वहाँ पर रहूँ। अब मैं उसको व्यवस्थित करवा रही हूँ, व्यवस्थित हो गया, लेकिन जो सैन्य बल वहाँ पे आते हैं, जो सुरक्षा बल वो इतने ज़्यादा शराब के नशे में धुत थे कि वो खड़े होने की स्थिति में नहीं।